फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नमस्कार, और मैं हूं आशीष चौधरी खबरों के साथ आपके लिए। कभी टूरिज्म, कभी खबर, कभी एक्सीडेंट, कभी बीमारियां, कभी कुछ कभी कुछ। जी हाँ, जीवन की आपाधापी में सब कुछ जायज है। आप, मैं और हालात, देखिए मेरे साथ। द बिगनिंग ऑफ पार्थ दादा पवार एट उल्वेनोड 2। सी योरसेल्फ एंड लिसन व्हाट दे स्पीक। वैभव डाळ, गणेश कदम, वाघमोडे सर,
ब्रह्मवादी सर, सचिन अवघड साहेब, असे खूप असे सेक्टर 17 मध्ये जे माझ्या बरोबर पहिल्यापासून जे काम करतायत आणि त्यांच्या सपोर्ट शिवाय मी अपूर्ण आहे. आणि मेन ज्यांचा आशीर्वाद आहे, रविशेख पाटील साहेब, सचिन गरज साहेब, आमदार गिर पाटील साहेब, जयमात्र साहेब. आता एक 6 महिन्यापूर्वी म्हणजे सेक्टर 17 मध्ये लाईट्स नव्हत्या, रोड्स नव्हते. ते आज एक सेक्टरमध्ये एक मिटिंग घेतली. माननीय गिर पाटील साहेब होते, रविशेख पाटील साहेब होते, सचिन गरज साहेब होते. आणि मला तुम्ही त्या मिटिंगमध्ये सुद्धा स्वतः होता. नितीश मात्रे साहेब होते. आणि तेव्हा काही आपण एक मुद्दे उपस्थित केले होते, सेक्टर 17, 16, 15, 8, 9, 10. तर त्यामध्ये चर्चा आली. त्यांनी प्रॉमिस दिलं होतं, आपल्या वचन दिलं होतं की आपण ती कामं करू आणि त्यांचा आपण पूर्णपणे पाठपुरावा करून आज आपण ज्या सेक्टर्समध्ये लाईट्स नव्हत्या, रोड्स नव्हते, पाण्याचे प्रॉब्लेम्स होते, ते आज पूर्णपणे 90% आपण ते पूर्ण केलेले आहे. आणि सेक्टर 17 तर अशी परिस्थिती होती की सेक्टरकडे दुर्लक्ष होतं. सेक्टरचं त्यांनी सेक्टर 19, 20 सेक्टर डेव्हलप केले. पण रविशेख पाटील साहेब, सचिन गरज साहेब, इव्हन तुमचा पण खूप आभार मानावा लागेल की तुम्ही पण आम्हाला खूप त्यावेळी सपोर्ट केला. आम्हाला म्हणजे वारंवार आमच्यावर तुम्ही येऊन त्या न्यूज त्या बातम्या तुम्ही फ्लॅश केलात आणि त्या दाखवल्यात. त्याच्यामुळे आज जितकं सेक्टरचं दुर्लक्ष होतं, त्या सेक्टर 17, 18, 8, 9, 10 इथे आज पूर्णपणे काही सेक्टर लाईट्स आहेत, रोड्स आहेत, पाण्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत. खास करून तुम्हाला धन्यवाद की तुम्ही आमच्या बरोबर कंटिन्यू असता. आम्ही जेव्हा कधी तुम्हाला फोन करून तुम्ही येतात आणि हा तुमचा पाठिंबा आमच्या वासात असू द्या. रविशेखचा आशीर्वाद आहे, सचिन साहेबांचा आहे, आमदार साहेबांचा सुद्धा आशीर्वाद आहे, गिर पाटील साहेबांचा, जैन मंदिर साहेबांचा. तर आता पुढची प्रोसिजर अशी आहे की आज त्यांच्याच आशीर्वाद आहे. आता आपण सेक्टर 17 मध्ये पक्षाचा जनसंपर्क कार्यक्रम बोलतोय. आता आचारसंहिता असल्यामुळे आपण त्याचं ओपनिंग केलं नाहीये. तरी पण एक काल परवाच आपले माननीय श्री राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, आरपीआय कवडेगड आणि सालेगड मनसे यांचा एक महागाडी युतीचे खासदार आहेत, जे 5 पवार आता निवडणूक वगैरे आले, ते त्या दिवशी एक गावती गट एक येऊन गेले. म्हणजे त्यांनी वेळातला गट काढून त्यांचा दर्शको ये आप देखिए, ये 5 पवार जी हैं जी, हाँ जी, अजीत दादा पवार जो हमारे सीएम भी रह चुके हैं पहले, उनके पुत्र हैं और शरद पवार जी के ये ग्रैंड सन है, तो ये भी यहाँ आके गए हैं. हाँ सर, और मैं ये चाहूंगा कि सर हम लोग ग्लोबल जा रहे हैं क्योंकि हमारा चैनल को जो यूट्यूब कम्युनिटी होती है उसमें हमारे चैनल को इंडिया फर्स्ट माइक्रो चैनल किया है. तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हिंदी मराठी मिक्स या ऐसा कुछ करें ताकि जो गैर मराठी भाषी है उनको भी ये चीज समझ में आती जाए, क्योंकि उल्वे नोट में सभी तरह के लोग हैं. तो और जब हम महाराष्ट्र से बाहर जाएंगे तो वहां लोगों को मराठी समझ में नहीं आती, ऐसा हमें ईमेल्स आए. नहीं तो मराठी मध्ये मला पण करायला काय प्रॉब्लेम नाही, मराठी मी बोलतो, मराठी समजतो, मराठी मध्ये सगळं काही करू शकतो. पण तो भी मैं चाहूंगा की मराठी को हम लोग जो है ना वो मराठी से हम सिर्फ महाराष्ट्र लिमिट हो जाते हैं. मैं चाहता हूँ कि सबका काम, इवन अजीत दादा, पार्थ दादा पवार और इनका काम भी जो है वो हिंदी में होगा तो एक दूसरे पूरे भारतवर्ष में समझा जाएगा. तो सर थोड़ी मिक्स करके भी बोल सकते हैं. पहली बात जी आशीष जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन की आपका ये माइक्रो ऑल इंडिया में हो चुका है आपका चैनल. इसके लिए शेतकरी कामगार पक्ष के यहाँ से आपको लाख लाख शुभेच्छा और सेक्टर 17 की संगठना सेक्टर 8, 9, 10 की यहाँ से भी आपको लाख लाख शुभेच्छा. अभी जो अपना अभी आगे का जो काम चलेगा वो ऐसा रहेगा कि यहाँ पे सेक्टर 17 में अपना जो जनसंपर्क कार्यालय हो चुका है या उसका ओपनिंग हो रहा है, तो उसके आधार के ऊपर हम लोग अभी सब काम चालू रहेंगे. मतलब यहाँ के कोई किसी का इश्यू ऐसे है कि यहाँ पे स्मशान भूमि नहीं है, पानी का इश्यू है, बच्चों के खेलने के लिए गार्डन्स नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है या स्कूल्स नहीं है अच्छे अच्छे. जैसे कोई अभी यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि थोड़े दिन पहले की बात रहती है कि यहाँ पे ऐसे स्कूल है, यहाँ पे फीस ज्यादा है और वो स्टूडेंट्स लोग को टॉर्चर करते हैं या जो भी है. तो हम लोग थोड़ा वहां पे ध्यान दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनाने की, अभी सेक्टर 17 में हम लोग एक स्कूल बना रहे हैं, प्ले ग्राउंड बना रहे हैं, गार्डन बना रहे हैं. और जैसे रवि शेख ने एक जो बुजुर्ग लोग है उनको बैठने के लिए कैटेगरी बना के दिया, तो सबको एक गुजारिश है कि वहां पे आप जहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं सेक्टर 17 में रहते हैं, 8 में लोग रहते हैं, तो वहां पे आके बैठे
और बाकी की जो है अभी इलेक्शन जो चालू जो पार्टी अजित पवार जो खड़े है उन्होंने एक आश्वासन दिया है हमको कि यहाँ पे के जो प्रकल्पग्रस्त है या कॉलोनी वाले है तो उनके बाद जो भी रहेगा जो आने के चुनाव होने के बाद जब वो चुन के आते हैं तो उनके जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे उल्बेन रोड है सत्रह में है मैं पूरे उल्बेन रोड की बात कर रहा हूँ सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अजित दादा पवार जो है वो अभी आने वाला तो कन्फर्म है मतलब यहाँ से पहले बाड़मेर जी थे सांसद थे तो मुझे आपके यहाँ पे 2-3 साल हो गए उल्वा में लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया सॉरी मैं आपको पॉलिटिक्स का भी लेके जा रहा हूँ लेकिन क्या है यहाँ पे अभी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया कि एवं वो माहवार से आते हैं या अंदर तक आते हैं तो यहाँ पे जैसे चाहिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया मतलब यहाँ पे कोली लोग थे मच्छीमार लोग थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया एवं हम लोग कॉलोनी वाले हैं तो कॉलोनी वाले की तरफ मतलब 2 साल में लेकर उनको देखा नहीं वो कामोड़ा तक आते हैं पनवेल तक आते हैं लेकिन यहाँ पे उल्वा में आते मैंने कभी पाव भी नहीं रखा मैं 2 साल से देख रहा हूँ तो ये जो अजित दादा पवार के जो पुत्र है पार्ट अजित पवार साहब तो उन्होंने प्रॉमिस दिया है वर्ड्स दिया है कि आप लोग एक चांस मुझे दो मैं झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन एक चांस मुझे दो जितना हो सका 100% अपना काम करने वाला है सब उल्वा मोड से गांव वालों से या प्रकल्पग्रस्त है मेरे कॉलोनी वाले रामवासी दोस्त है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज्यादा से ज्यादा करके आप उनको एक चांस देकर उनको जिताए जी जरूर सचिन जी आपने इतना अच्छा काम किया है इस इलाके में रविशेख पाटिल जी ने इतना अच्छा काम किया है और हम जानते हैं कि यदि आपने बोल दिया तो जनता जरूर पार्थ दादा पवार को वोट देगी लेकिन हम जनता से एक और बात कहना चाहते हैं कि यदि जो सचिन जी ने वादा किया है यदि वो वादा पूरा नहीं होता है तो आप सचिन जी को पकड़ लीजिएगा ठीक है बराबर ओके थैंक यू सो मच अच्छा सर आप बताइए आप किस तरह से आपकी भूमिका रहेगी सचिन जैसे कि अभी सचिन ने जैसे बताया कि जो कभी हमारा मेन लीड कभी हमने सचिन इनके बीच बस हम साथ देंगे इनको सपोर्ट करेंगे हर वक्त जब भी एनी टाइम जब भी वो करेंगे हम खड़े रहेंगे और बाकी यहाँ पे उन्होंने जितना भी कार्य किया है वो तो सब लोग जानते हैं जी 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 वो तो हम भी जानते हैं हमने दिखाया है उनकी हर एक मेहनत हर एक सेक्टर में हर लोग उनको जानते हैं बस यही कहूंगा कि उनको इसी तरह सपोर्ट कीजिए सब लोग और वो काफी मेहनती इंसान है आज काफी लोग ऐसे हैं जो पीछे खींचने वाले लोग हैं लेकिन मेरी एक ही राय रहेगी कि वो आगे चलते रहे हम उनके पीछे रहेंगे उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे जी बिल्कुल आपने सही कहा पीछे खींचने वाले यानी कि वो केकड़ा प्रवृत्ति होती है कि आदमी आगे जा रहा है तो उसको पीछे गोली की जाती है मगर फिर भी मैं सचिन जी की राय देता हूँ कि उन्होंने आज तक जो है वो आगे ही बढ़ते गए हैं और आप भी उनके साथ हैं और आपके सर ये आपके साथ कितनी टीम रहेगी जो मेन कोर टीम रहेगी और 15-20 लोग जो मेन ऐसे तो काफी लोगों से चर्चा हुई सारे लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार है लगभग पूरे उद्योग में उनको सपोर्ट है और वो लोग अपने कार्य से खुश है और चाहते हैं कि सब वो आएंगे और उन्होंने कहा है कि हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे आप आगे चलेंगे तो बस उनके आश्वासन और उनके सपोर्ट में हम लोग चल रहे हैं माननीय श्री रविशेख पाटिल साहब हे माझे तर गुरु आहेतच आणि सर्वांना एक विनंती आहे की मावळ लोकसभेचे खासदार उमेदवार श्री पार्थ अजितदादा पवार यांचे जे आपले त्या उल्वेनोड आणि मावळ येथून उभे राहिले तर सर्व उल्वेनोड आणि पनवेल रहिवाशांना विनंती आहे की जास्तीत जास्त त्यांना मतदान करून निवडून आणूया आणि फक्त कमळ असू दे धनुष्यबाण असू दे कुठलाही चिन्ह असू दे तुम्हाला फक्त घड्याळाचं चिन्हावरती बटन दाबायचंय आणि जास्तीत जास्त मतदान करून माननीय श्री पार्थ अजित पवार साहेब यांना निवडून आणायचंय ही नम्र विनंती तो दर्शको ये थी एक छोटी सी मुलाकात जी हाँ एक छोटी सी मुलाकात थी और मैं आपको कहना चाहूंगा कि सचिन जी का जो भी कार्य है और रविशेख पाटिल जी का जो भी कार्य है उनके सारे लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डालूंगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके कोई भी लिंक आप ओपन कर सकते हैं सचिन जी का होगा या रविशेख पाटिल जी का होगा उनके कार्यों का होगा जो उनके जैसे उल्वे नोट को इलिमिनेट किया था उस वक्त और काफी कुछ चीजें थी रविशेख पाटिल जी को आप जानते हैं इज अ किंग ऑफ सोशल वर्क तो एक तरह से तो और बहुत सी चीजें हैं तो वो सब मैं कमेंट्स में डाल दूंगा तो प्लीज डू लाइक इट शेयर इट एंड
यस सब्सक्राइब इट इफ पॉसिबल, अगर आपको पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे हर एक घड़ी की हर एक मिनट की। धन्यवाद।